वर्तमान समय हर कोई गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहा है, भयभीत, दुखी और आशाहीन हो रहे हैं। ऐसे समय पर मनोबल ही परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का आधार है। हमें अपने हृदय में निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए और हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जब चीता हमलावर होकर हिरण के पीछे भागता है, तब वह छोटा हिरण भी हिम्मत का परिचय देते हुए दो गुने वेग से भागकर अपनी जान बचाता है। हम प्रकृति और जानवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। संसार का कोई भी प्राणी न ही आत्मघात करता है और न ही उसके मन में आत्मघात करने का संकल्प भी आता है, केवल मनुष्य के अलावा। मनुष्य हार जाता है, अपनों को खो देता है या किसी परिस्थिति के अधीन होकर तनावग्रसित बन मरने का नकारात्मक विचार करने लगता है। ऐसे समय पर भी व्यक्ति को हिम्मत और आशा को जागृत करना चाहिए। सदैव विजयी बनने का लक्ष्य रखें और एक एक कदम से आगे बढ़ें। अपने आप को समझाने से और हिम्मत देने से हम पुनः सफल हो सकते हैं। इतिहास में हमने अनेक बातें सुनी हैं, परंतु अभी समय है परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर नया इतिहास रचने का। जीवन में सदा खुश रहें और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हिम्मत देते रहें। सब कुछ खोने के बाद भी याद रखें, कल का सुखद भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है, अब हमें एक नया इतिहास लिखना है और हिम्मत कभी नहीं हारना है। रामायण में दिखाते हैं कि जब हनुमान जी सीता माता को खोजने के लिए निकले, तो उन्होंने यह दृढ़ संकल्प ले लिया था कि सीता माता को रावण की अधीनता से छुड़ाना ही है। इसी दृढ़ संकल्प ने ही उनके मार्ग में आने वाली अनेक बाधाओं और परिस्थितियों पर उन्हें विजयी बनाया और वह अपने कार्य में सफल बन गए। इसी प्रकार वर्तमान समय में हम भय को दरकिनार करते हुए हिम्मत और विश्वास से आगे बढ़ें। हम स्वयं को सकारात्मक बनाते हुए दूसरों को भी सकारात्मक बनाएं। फ्रांस देश के एक रचयिता थॉमस कार्ले ने फ्रांस के क्रांतिकारियों के बारे में एक पुस्तक लिखा। विरोधियों ने उस पुस्तक को उनके सामने ही जला दिया, जिससे थॉमस कार्ले काफी दुखी और निराश हो गए। थॉमस मानसिक रूप से दुखी बन एक दिन किसी गली में घूम रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि एक कारीगर जो एक एक ईंट लगाते हुए एक विशाल दीवार का निर्माण कर रहा है। इस दृश्य को देखने के बाद उनके मन में एक विचार आया, मैं भी हर दिन कागज के एक एक पन्नों पर अपने विचारों को अंकित करते हुए फिर से पूरा किताब लिखूंगा। देखा गया कि उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक की अपेक्षा दूसरी पुस्तक की रचना अद्भुत हुई और वह अद्भुत रचना ऑन हीरोज हीरो वर्शिप नामक सुंदर किताब के रूप में प्रकाशित हुई। इस किताब ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। अतः जो अपने जीवन से कभी नहीं हारते वही विजेता बनते हैं और अपने जीवन में पराजय को नहीं आने देते। विंस्टन चर्चिल बचपन में ठीक से नहीं बात कर पाते थे, इस कारण से उन्हें बार बार अपमान का सामना करना पड़ता था। उन्होंने संकल्प किया वह अथक परिश्रम के बाद 20वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध एक महान प्रवक्ता बन गए। एक ऐसा ही उदाहरण चार्ली चैपलिन का है, जिनका छोटा कद होने के कारण फिल्म निर्माताओं के द्वारा अनेकों बार अस्वीकार किया गया। उन्होंने हिम्मत का परिचय देते हुए हास्य कला में बड़ी उपलब्धि हासिल की और सबके दिलों में हीरो बन गए।
इन सबों ने हिम्मत और आशा को कभी नहीं छोड़ा। आशा ही जीवन में आगे बढ़ने का आधार है, महान बनने का आधार है। यदि मनुष्य जीवन में हिम्मत और आशा को नहीं छोड़ता तो वह सभी परिस्थितियों में संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। आशा जीवन में मुस्कान लाती है, आशा ही जीवन का प्रकाश है। मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाएं, तो जीवन में हिम्मत, आशा एवं विश्वास जागृत हो जाते हैं। निराशा, उदासीनता सहज ही समाप्त हो जाता है। ईश्वरीय ज्ञान की किरणें आपके जीवन में दृढ़ता प्रदान करती हैं, जिससे आपका जीवन सुंदर और सुखदायी बन जाता है और हमारा भविष्य उज्जवल बन जाता है। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर सुनें।